नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी। आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैकग्राउंड चेंज फोटो बनाने के बारे में। चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। दो फाइल ले रहा हूं मैं फोटोशॉप में। ये एक बैकग्राउंड का फाइल है और ये जो फाइल है ये फोटो बनाना है। इस फोटो में खराबी कुछ भी नहीं है। इसको कलर करेक्शन करना है और बनाना है। यहाँ से जैसा वैसे ही रहने देता हूँ, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो फाइल है अपनी, इसमें हम थोड़ा सा लाइट कलर करेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले इधर से इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ पे इमेज में आना है, एडजस्टमेंट लेवल, और इसको सेट कर लेंगे थोड़ा अपनी सुविधा अनुसार, जो तुमको ठीक लगता है। अगर लग रहा है कम है तो ज्यादा कर लो, लग रहा है ज्यादा है तो कम कर लो। और यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, कंट्रोल बढ़ा देता हूँ, इतना सफिशिएंट है। और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पिक्सल थोड़े खराब लग रहे हैं तो उसके लिए इधर जाना है और इधर वन क्लिक करना है इसमें। ये हो गया, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं। यहाँ से ध्यान से देखोगे सारी चीज समझ में आ जाएगी। और नेट इमेज का भी फिल्टर है, ओवर फिल्टरेड नहीं बनाएंगे इसको, थोड़ा लिमिटेड ही रखेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ तक की हो गया और ये फिल्टर हो गया कंप्लीट। यहाँ से इसको भी थोड़ा सा कम कर लेंगे ताकि ओवर फिल्टरिंग ना लगे। और फोटो फोन की होगी इसीलिए इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। और ये जो है इस वाले टूल को थोड़ा, बर्न टूल को थोड़ा यूज करेंगे। यहाँ पर 34% के आसपास इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया और बस यहाँ से अब कटिंग करना चालू करते हैं। फोटो कट करने के लिए पेन टूल की मदद लेंगे और यहाँ से रबर बैंड ऑन और यहाँ से कटिंग करना चालू करते हैं। मैंने काफी लंबे टाइम से फोटोशॉप में वर्क नहीं किया, इसलिए थोड़ी सी कटिंग करने में दिक्कत जाएगी, पर फिर भी ठीक ठाक कटिंग कर लूंगा। यहाँ तक आने के बाद इसको वैसा अंदर की ओर इधर ले लेते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ना, ये मेरा माउस थोड़ा मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसलिए भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। लगभग ठीक ठाक कटिंग कर लूँगा। मेरी कटिंग जो थी इतनी बढ़िया थी, क्या ही बोले, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं। कुछ अच्छा हो जाता है, कुछ बुरा भी हो जाता है, तो इसीलिए उतना बढ़िया तो अभी नहीं है। बढ़िया इसलिए नहीं है क्योंकि वजह है, आप सभी लोग जानते हो कि लगभग 6 महीने से मैं कंटेंट नहीं अपलोड कर पा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी था अपने दैनिक जीवन के कार्यों में, इस वजह से नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, अब कंटेंट बनाऊंगा। मतलब अब मैं जो चीज़ें सीख रहा था उस चीज़ों को सिखाऊंगा और उसके आगे बारीकी से चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, और जो चीज़ हो सके मेरे से उतनी चीज़ तो ज़रूर सिखा सकूंगा। और अगर आप लोग चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं उनको, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी फ्री में पहले भी सिखा रहा था, अभी भी फ्री में सिखा रहा हूँ। वो मेरी अपनी मर्जी है कि मुझे फ्री में सिखाना है या नहीं। बाकी ऐसे भी सिखाता हूँ मैं इन लोगों को, वो भी ठीक है। ऑनलाइन भी बहुत से लोगों को सिखाया मैंने। और अगर आप ये जो फोटो क्लीन करता हूँ सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो मुझसे बात करो इंस्टाग्राम पे आकर, मैं आपको अरेंज करवा दूंगा। बिल्कुल चीप प्राइस में अवेलेबल करा दूंगा। यहाँ से इसका सेट कर देते हैं।
मैं कटिंग बहुत ज्यादा नहीं करूंगा ठीक से, कटिंग की जरूरत उतनी ज्यादा पड़ेगी भी नहीं। अब तुमने यहाँ से कैसे कटिंग किया क्या किया, तो अगर ध्यान से फोटो को इसमें देखा होगा तो वही चीजें डिटेक्ट कर पाएगा कि यहाँ से कटिंग कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, अगर फोटो को ध्यान से देखोगे तो यहाँ कटिंग करने में दिक्कत जाएगी आप लोगों को। और बहुत मजेदार, अगर तगड़ा कुछ सजेशन देना हो कंटेंट के लिए मुझे, तो जरूर सजेशन दे कि भाई आप ऐसा करो या फिर ऐसे सुधार करो या फिर एनी मोर चीज, तो मैं ट्राई करूंगा कि वैसे भी हो पाए, जितना बढ़िया हो पाएगा उतना बढ़िया करता है। इधर सबसे ज्यादा मैटर करता है माउस की डीपीआई और माउस कंट्रोल पे ही बेस्ड है। देख सकते हैं आप लोग, लगभग मेरी कटिंग होने ही वाली है। अगर इसमें कोई परेशानी आती तो बता सकते हैं आप लोग कि ये परेशानी है। मैं पूरा कंप्लीट वीडियो डाल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा काट के नहीं डाल रहा हूँ, शुरू जहाँ से करें वहाँ से वहाँ तक ही एंड करेंगे कंप्लीट होने पर, ताकि आप लोगों को चीज़ों को समझने में दिक्कत ना हो। ये हो गया कंप्लीट, और कंट्रोल के साथ इंटर का बटन दबाएंगे तो सिलेक्शन बन जाएगा। और यहाँ एक छोटी सी समस्या ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप रह गया है, तो गैप रह गया तो पेन टूट लेंगे दोबारा। और यहाँ से जरूरी नहीं है, इसको बाद में भी आप रिमूव कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ फिलहाल इस चीज़ को। और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट इंटर कंट्रोल अल्टर इंटर दबाएंगे तो सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अपनी सुविधा अनुसार चेक कर लेंगे चीजें कैसे काम कर रही है। और इसमें फेदर लगा देंगे, फेदर कहाँ से लगाते हैं, इधर पे आना है और यहाँ से देखो फेदर, ठीक है, टू का लगा देंगे। और टू के बाद इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे फोटो की कटिंग बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, मतलब ये जो है तो टू ज़्यादा हो रहा है इसके लिए, तो वन का लगा देंगे। ठीक है, और वन को कॉपी पेस्ट करने के बाद देखेंगे तो वन भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 0.8 लगा देते हैं, अभी सफिशियंट है। लेकिन सफिशियंट होने के साथ साथ ये जो डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, किधर डिस्टर्ब कर रहा है, ये बाहरी एरिया पे डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके लिए सिलेक्शन बना रहने देंगे और ये इन्वर्स में क्लिक कर देंगे और दो तीन बार क्लियर का बटन दबा देंगे, ये और एक दो और ये एक बार ये दबा देंगे फेदर और इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अब जो है ये क्लियर, जो ग्रीन बन रहा था ना कलर आजू बाजू सारी तरफ, वो नहीं बनेगा, सब बिल्कुल सफिशेंट हो चुका है। और अगर चाहें तो एक बार और इस पर वर्क कर सकते हैं आप, अगर कोशिश करें तो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जरूरी नहीं है कि वैसे ही काम करो, क्या किया तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन बता दे रहा हूँ वही चीज किया जो बता। अब इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके ला लिए और यहाँ सेलेक्ट कर दिए और लगभग ये ठीक ठाक तरीके से बन चुका है। और अगर आप चाहें यहाँ शेडो डालना चाहते हैं तो शेडो डालने के लिए बिल्कुल आसान है। कैसे डालेंगे शेडो, इसके कॉपी बना लेता हूँ मैं और इसके ऊपर मैं डालता हूँ शेडो, ड्रॉप शेडो, इतना ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना सा, और इसको कर देंगे कम। ठीक है, ये कम कर देंगे और इस फोटो को डिलीट कर देंगे थोड़ा सा, मतलब कहाँ तक डिलीट करना है, यहाँ तक डिलीट करना है, बस बस हो गया, जितनी जरूरत उतना सिर्फ रखेंगे, बाकी सब हटा देंगे। और ये हो गया कंट्रोल जिक्सर ग्रुप। और अब आप देखेंगे पहले और अपने अंतर, पहले जो फोटो जहाँ थी उसको और इसमें अंतर देख सकते हैं आप लोग। लेकिन अब इसमें थोड़ा क्रॉप करना है इसको अपने साइज पे, तो साइज में कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर 8x12 कर देते हैं इसको, 300 कर देते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो 8x12 से देख। ठीक है, अब बॉर्डर कैसे डालना है ये भी बता देता हूँ, एक ही वीडियो में सारी चीज़ बताना बस ठीक बात नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। कंट्रोल अल्टर
शिफ्ट और ई का बटन प्रेस करेंगे, मतलब ये वाला बटन पैटर्न इमेज हो जाएगा। ठीक है, एक फाइल बन गई, इसको कर लेंगे कॉपी, मतलब डुप्लीकेट कर लेंगे इसको। कर लिए डुप्लीकेट, करने के बाद इसको कर देंगे छोटा थोड़ा। ठीक है, छोटा कर दिए, शिफ्ट और अल्टर के बटन से थोड़ा छोटा कर दिया। और ये जो है इसको कर देंगे ब्लर, गार्जियंस ब्लर चला के तो जम के ब्लर कर देते हैं, और इसके ऊपर थोड़ा ग्रेडियंट चला देंगे। इधर पे आउटर ग्लो में आए, ब्लैक कलर में सिलेक्ट किया, नॉर्मल में सिलेक्ट किया, और ये ओके, और वापस यही गए इफेक्ट में, और स्ट्रोक, और ये येलो कलर सिलेक्ट, और यहाँ पे थ्री, वो भी इनसाइड करना है। ठीक है, या थ्री या फोर कर देना है, फोर दे देते हैं, और फाइव दे देते हैं। ठीक है, फाइव सिक्स दे देते हैं, और यहाँ पर आउट इनर ग्लो जो लिखा है यहाँ पर भी आपको एक कलर सिलेक्ट करना है, नॉर्मल कर देना है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा ये जो लाइन डाले, ये लाइन बहुत परफेक्ट नज़र आएगी ना, बॉर्डर। और इसको पैटर्न इमेज कर देंगे, और ये कम्प्लीटली आप सेव करने के लिए तैयार है, देख सकते हैं। ठीक है, अभी बन चुकी है, और आज का वीडियो शायद लंबा हुआ होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।